रिकॉर्डिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर के लिए सबसे पहले हमको चाहिए 1 टीस्पून साबुत धनिया, जिसको हम थोड़ा सा भुनेंगे। इसको करीब 1 मिनट तक हमको भूनना है, रोस्ट हो जाए, जिससे ये थोड़ा पिंक कलर आ जाए। इससे ये थोड़ा पिंक हो गया है, तो हम इसको इस पैन में से निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। करीब 2 टेबल स्पून मक्खन, और हमने जो क्यूब्स में काटी हुई शिमला मिर्च और अनियंस हैं, उनको हम इसमें डालेंगे। इसमें क्यूब्स में कटी हुई हम शिमला मिर्च डाल देंगे। ये 1/2 कप के करीब शिमला मिर्च और अनियंस हैं, जो क्यूब्स में कटी हुई हैं। इनको थोड़ा सा हमको मक्खन में सॉटे करना है। करीब इसको 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमारी शिमला मिर्च और प्याज सॉटे हो चुकी है, अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो हमारा मक्खन बचा हुआ है, उसमें हम डालेंगे 1 अनियन का पेस्ट एंड 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन और हरे मिर्च का पेस्ट मिक्स हुआ है, इसको हम इस मक्खन में डाल देंगे। Thank you.
मक्खन छोड़ने तक हमको गैस पे भूनना है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी देगी शिमला मिर्च, लाल मिर्च, अब इसमें हम डालेंगे एक टमाटर का पल्प प्यूरी। कच्चे टमाटर को ही गैस हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार हल्का या ज्यादा वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून टमाटर केचप। टमाटर केचप डालने के बाद इसमें डालेंगे दही 1 टेबल स्पून दही, हींग, थोड़ा सा ऑरेंज कलर, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। हमने जो शिमला मिर्च और प्याज जो मक्खन में सौटे करके रखा हुआ था उसको हम इस ग्रेवी में डाल देंगे।
उसके बाद इसमें करीब 150 ग्राम पनीर डालेंगे हम। इसमें डालेंगे हम करीब 2 टेबल स्पून वाटर। धनिया हमने भूना था उसको क्रश कर देंगे थोड़ा सा, फिर ये पनीर में डाल देंगे। ये हमारा कढ़ाई पनीर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक बाउल में इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम और 1 टेबल स्पून कसा हुआ पनीर। तो ये हमारा तैयार है कढ़ाई पनीर। आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। थैंक यू।